Assalamu alaikum and good evening to you again. After exciting. अच्छा और अल्लाह धनिया हरा धनिया कहाँ डाला है? हरा धनिया तो बाद में आएगा. ये अल्लाह धनिया. अच्छा ये मैं बोलूँ अब? ओके मेरी बारी आ गई है तो मैं कह रही हूँ गुड इवनिंग एवरीवन. अब आज हम बड़े ही आसान सी रेसिपी बना रहे हैं. मसाला राइस कह लें इसको. बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है. तो कीप वॉचिंग. अभी मैंने शुरू किया है. मैंने सिर्फ और सिर्फ चावल लिए हैं. तकरीबन आप 600 ग्राम्स ले लें. और उसके बाद ये किया है कि उनको मैंने एक कन्नी बॉयल किया है. ठीक है, एक कन्नी बॉयल करने के बाद मैंने उसको निकाल के रख दिया है. फिर मैंने ये मसाले डाले क्योंकि मेरे पास तकरीबन 600 ग्राम्स या 650 ग्राम्स के करीबन मैंने चावल लिए हुए हैं. तो उसकी वजह से मेरे मसाले आपके सामने हैं कि ज़्यादा हैं. तो अभी मैंने शुरू किया है ये कुक करना. ठीक है, तो मैं अब इसमें लाल मिर्च और हल्दी डालूंगी. सो एज सुन एज मसाला स्टार्टेड क्रैकिंग तो मैंने बच्चों को यहाँ से ले दिया. हालांकि वो फासले पे खड़े होते हैं बट इवन एंड मैंने उनको ये मैंने लाल मिर्च और हल्दी से थक के जायका. वैसे तो मैं बता सकती हूँ कि मैंने 2 टीस्पून ली थी लाल मिर्च पाउडर और साथ में आप जितना येलो कलर पसंद करेंगे राइस का उतना आप डाल लें हल्दी का. तो मैं थोड़ा सा पानी के मसाला ना जले इसमें डाल रही हूँ इस स्टेज पर. तो इसको हमें हल्का सा सौते करना है. इसके बाद हमने इसमें राइस डाल देने हैं. लेकिन उसका भी मैं तरीका बता चुकी कि पहले मैंने सिर्फ एक कनी बॉईल किया है. जिन लोगों को ये नहीं पता कि एक कनी किसको कहते हैं, उसकी एक शानदार सी टिप यही है कि जब एक आपको जैसे ही आप बॉयल आता है पानी में, फिर आप चावल डालते हैं, चावल डालने के बाद जो पहला बॉयल आता है तब आपका एक कनी राइस हो जाता है और उसको तब निकाल लें. फिर आप उसको चेक करेंगे दुबा के तो वो एक कनी टूटती है, उसको कहते हैं एक कनी. तो एक कनी राइस मैंने निकाल के रखे हुए हैं. ठीक है, अब ये मसाला मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है. अब मैं इसमें राइस डालती हूँ. हमने चावल डाला. अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें पानी, नमक मिला हुआ पानी डालेंगे. तो मैंने नमक मिला हुआ पानी यहाँ डाल के अब मैं इसको तेज़ आंच पे फटाफट से ड्राई करूँगी ताकि इसका नमक हल हो जाए. पीले चावल लग रहे हैं, जर्दा लग रहा है आपको? ये जर्दा नहीं है, ये मसाले वाले बनाऊंगी. अभी आपको डिफरेंट कर देती हूँ ना. अभी देखना मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ. मीठे बहुत लग रहे हैं. अच्छा तो अभी देखना हम क्या क्या डालते हैं. हमने अला धनिया नहीं डाला. तो ये क्या डाला है फिर? हमने हरा धनिया डाला है और हरी मिर्च भी डाली है और उसके बाद हमने चॉप करके टमाटर और चाचोल और अलमत और अला धनिया जी. और अब हम इसको ये चाहे तो ऐसे ही दम दे दें आइडली. दम देकर आप इसके बाद इसको टॉस कर लें, थोड़ा सा मिक्स कर लें. ओके जी, आफ्टर 10 मिनट्स मैंने खोला है और अब मैं इसको सारे को मिक्स कर रही हूँ. आयरा का बस ध्यान होता है. ओ ओ आयरा माँ से टक्कर करती हुई आ गई है. मामा मैं मिक्स करूँ? नहीं बेटा. सो दिस इज हाउ द फाइनल लुक विल कम. इंशाल्लाह बहुत मज़े के, बहुत जल्दी बनने वाले क्विक सिंपल एंड इजी रेसिपी है. एक साइड पे नहीं जमा इसको करना, मिक्स करते हैं पूरी ओवरऑल. तो डू ट्राई दिस रेसिपी, गिव योर फीडबैक इज मच वेलकम एंड अप्रिशिएटेड. एंड आई होप कि लोग ट्राई करें और ट्राई दैट एज सुन एज पॉसिबल एंड गिव मी फीडबैक. टिल नेक्स्ट टाइम, बाय.